वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम अकाउंटिंग फॉर एनपीओ के टॉपिक में आईकैप के FR1 की जो अटेम्प्ट 2022 की अटेम्प्ट थी उससे एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन का टाइटल है ओरेकल फैमिली क्लब और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का जो वर्डिंग है वो ये है कि ओरेकल फैमिली क्लब वॉज फॉर्म्ड इन जनवरी 2021। फर्दर ये है कि जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन की, उसमें हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है। 31 दिसंबर 2021 का जो ईयर एंड है, फर्स्ट पूरा एक साल होने के बाद, और इसी तरह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की माना। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सिर्फ दो पॉइंट्स हैं, जिसमें एक तो ये बताया गया है कि ओएफसी यानी ओरेकल फैमिली क्लब जो है ये एक कैंटीन भी ऑपरेट करते हैं और तमाम सेल्स और परचेज कैंटीन की कैश पर होती हैं। इसका मतलब है कि इससे रिलेटेड कोई भी रिसीवेबल या पेएबल का कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर नहीं होगा। सेकेंड इन्फॉर्मेशन ये है कि सैलरी ऑफ कैंटीन सेल्समैन 90,000 की है और ये ऊपर पेमेंट्स में शामिल है। ऊपर पेमेंट्स में जो सैलरीज गिवन हैं इन सैलरीज के अंदर इसको शामिल किया गया। तो ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद, जिसमें बेसिकली रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है, रिक्वायरमेंट ये है कि हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन बनाएं। तो हमारे पास एसेट और लाइबिलिटीज़ की फिगर्स जो हैं वो मिसिंग होंगी और हमने वो कैश की इन्फॉर्मेशन और इनकम और एक्सपेंडिचर की इन्फॉर्मेशन के बेस पर फाइंड आउट करनी होगी। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा रिक्वायरमेंट है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने की तरफ, तो उसकी तरफ चलते हैं। और सबसे पहले हम आंसर मेंशन करेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हम बना रहे हैं एज एट 31 दिसंबर 2021। फिगर्स हमने रुपीज इन थाउजेंड लिए क्योंकि क्वेश्चन के अंदर भी जो करेंसी का राउंडिंग ऑफ लेवल यूज हुआ है वो रुपीज इन थाउजेंड के हिसाब से हुआ है। अब अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज जो क्वेश्चन के अंदर है दैट इज सब्सक्रिप्शन। अगर हम स्टार्ट सीक्वेंस के साथ चलें, लेकिन हमें हर चीज का जो रेलिवेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर का आइटम होगा उसको भी साथ के साथ देखना होगा। तो सबसे पहले हमें यह नजर आ रहा है कि जो सब्सक्रिप्शन हैं वो 2800 की रिसीव हुई हैं 2021 में, लेकिन इनकम बनाया हुआ है 3450 को। तो पैसे कम रिसीव हुए हैं, इनकम हमने जो है वो ज़्यादा रिकॉर्ड की हुई है। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल भी है। तो हमें इन दो इन्फॉर्मेशन की बेस पर ये पता चलता है कि कुछ सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है। अब हम कुछ हेडिंग्स क्रिएट कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, जनरल फंड्स और लाइबिलिटीज। सो करंट एसेट्स के अंदर हमें सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल की अमाउंट पता चल गई है। जो कि 33,450 की इनकम है, 2800 रिसीव हुआ है। इसका मतलब है जो रिमेनिंग 650 है वो रिसीवेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि जो सब्सक्रिप्शन है वो 1360 की रिसीव हुई है, जिनका ताल्लुक नेक्स्ट ईयर से है, 2022 से है। तो जो नेक्स्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई हैं ये तो हमारी एडवांस में हमने ली हैं, ये हमारी लायबिलिटी बन जाएंगी। इनको हम लायबिलिटीज में मेंशन कर देते हैं। इसके बाद ज्वाइनिंग फीस दी हुई है। ज्वाइनिंग फीस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन यहां पर गिवन नहीं है कि ये करंट ईयर में इनकम बनानी चाहिए, डायरेक्ट फंड में ऐड करनी चाहिए। तो फिर जो मुनासिब सिचुएशन बनती है वो ये बनती है कि ज्वाइनिंग फीस को भी फंड का हिस्सा बना देना चाहिए और उसको एक सेपरेट फंड के तौर पे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। ज्वाइनिंग फीस का फंड, नेक्स्ट कैंटीन की सेल्स गिवन है। अब कैंटीन की सेल्स पर तो कैंटीन की अलग एक वर्किंग हमें बना लेनी चाहिए, वो बना लेते हैं अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के नीचे।
तो सेल्स हमें गिवन है, और सारी सेल्स क्योंकि कैश बेसिस पर है तो इट मींस कि कोई रिसीवेबल वगैरह तो इसमें नहीं हो सकता। उसके बाद लाइफ टाइम मेंबरशिप दी हुई है जो कि है 1840 की। लेकिन अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि लाइफ टाइम मेंबरशिप को जो इनकम बनाया गया वो 360 का बनाया गया। तो 1840 में से 360 को अगर इनकम बना दें तो बाकी अमाउंट जो है वो डेफर्ड कंसीडर होगी, तो लाइबिलिटीज में शो करेंगे उसको। तो 1840 में से 360 निकालकर बाकी अमाउंट हम लाइबिलिटीज में शो कर देंगे। तो हमने रिसीट साइड जो थी वो सारी कवर कर ली। अब हम चलते हैं पेमेंट साइड पर। पेमेंट साइड पर जो फर्स्ट आइटम हमें नजर आ रहा है दैट इज बेसिकली सैलरीज। अच्छा, अब सैलरीज में जो मामला है वो ये है कि 640 की सैलरीज पे हुई हैं, 700 की सैलरीज जो हैं वो एक्सपेंस बनी हैं, यानी एक्सपेंस ज़्यादा है और पेमेंट जो है वो हमारी कम हुई है। तो अब यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी जो है 700 का एक्सपेंस जो है वो तो यहाँ पर बना हुआ है, और 90 का एक्सपेंस कैंटीन के सेल्समैन की सैलरी का भी है। तो 790 का एक्सपेंस है जिसमें से पे सिर्फ 640 हुआ है, तो इसका मतलब है कि रिमेनिंग अमाउंट जो है वो हमारी पेएबल होगी। तो सैलरीज पेएबल को हम लाइबिलिटीज में शो कर देते हैं। 700 का एक्सपेंस जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में है, 90 का जो कैंटीन की सेल्समैन की सैलरी है, और टोटल एक्सपेंस में से जितना पे कर दिया वो लेस कर देते हैं, तो बाकी अमाउंट हमारी पेएबल होगी जो कि 150 आ जाती है। नेक्स्ट आइटम हमारे पास है रेंट का। रेंट 990 का हमने पे किया है, लेकिन हमारा एक्सपेंस जो है वो 760 है। पे ज्यादा किया है, एक्सपेंस कम है। अगर हम जो है पेमेंट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपेंस कम कर हो रहा है तो रिमेनिंग अमाउंट हमारी प्री पेमेंट कंसीडर होगी, इसको हम प्री पेड रेंट के तौर पर रिकॉर्ड कर लेंगे। 230 का जो डिफरेंस है वो हमारी प्री पेमेंट है। नेक्स्ट है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट 2560 का है, और इक्विपमेंट पर 200 की डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड की गई है। तो नेट इक्विपमेंट जो है वो हम ऑब्वियसली शो कर सकते हैं 2360 का। नॉन करंट एसेट्स में इसके बाद 10% फिक्स डिपॉजिट की बात हो रही है। तो फिक्स डिपॉजिट भी बैंक में पैसे जमा करवाए जाते हैं, इससे रिलेटेड कोई एक इंटरेस्ट तो है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, तो उस पर बाद में भी बात करते हैं। तो ये जो अमाउंट है फिक्स डिपॉजिट की, ये तो हम एज इट इज यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि ये हमने सबमिट करवाया, जमा करवाया। नेक्स्ट हमारे पास जो एक चीज़ और रेलिवेंट आ जाती है वो आ जाती है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग गिवन है 1500। अब ये नहीं पता कि ये बिल्डिंग कंप्लीट हुई है या नहीं हुई, तो इस 1500 को हम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के तौर पर रिकॉर्ड कर लेते हैं नॉन करंट एसेट्स में। अगर कंप्लीशन का मेंशन होता तो इसको बिल्डिंग के नाम से लिख देते। उसके बाद कैंटीन की परचेजेस दी हुई हैं 700 की। और लास्ट में हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है रिसीट एंड पेमेंट का, तो ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 410। तो इसको हम करंट एसेट्स में लिख लेते हैं। अब रिसीट एंड पेमेंट के तो सारे आइटम हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जो फर्दर आइटम हमारे पास हैं जरा उनको देखते हैं। तो एक चीज़ तो ये कि हमारे पास अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देखें तो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट आ रहा है 150 का, ये हमने इनकम बनाया है। अच्छा, जो फिक्स डिपॉजिट किया गया है वो 10% लिखा हुआ है, तो
इसमें अगर हम देखें तो कहीं पर भी हमें रसीट में ये नज़र नहीं आ रहा कि ये जो 150 हैं ये रसीव भी हुए हैं। तो ये 150 की इनकम हुई है लेकिन रसीव नहीं हुई, तो ये अमाउंट रिसीवेबल के अंदर भी शो होनी चाहिए। तो हम इसको इंटरेस्ट रिसीवेबल के तौर पर रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट हमें सरप्लस दिया हुआ है 2330 का। अब जनरल फंड्स के अंदर और तो कुछ भी नहीं है, तो यही अमाउंट हम जो है वो मेंशन कर देंगे। कोई ओपनिंग बैलेंस तो नहीं है, तो डायरेक्ट हम इस सरप्लस वाली अमाउंट मेंशन कर देते हैं। इसके बाद प्रॉफिट ऑफ कैंटीन दिया हुआ है 30। तो कैंटीन का प्रॉफिट से असल में जो एक चीज़ हमें मिसिंग नज़र आ रही है वो है इन्वेंट्री की फिगर नहीं पता चल रही। तो कैंटीन का प्रॉफिट जो है हम लिख लेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है 30 का, और इससे अब चीज़ों को वर्क बैक करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब अगर आप नोटिस करें तो हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की सारी फिगर्स को इस्तेमाल कर चुके हैं। एडिशनल फॉर्मेशन में भी जो बात थी कि वो कैश बेसिस पर करते हैं उसको भी ले लिया। 90 की सेल्समैन की सैलरी हमने सैलरीज में शामिल कर ली थी। अब हमें प्रॉफिट में ऐड बैक करके ग्रॉस प्रॉफिट निकालना चाहिए। सैलरी ऑफ सेल्समैन जो है वो है 90 की। अब इसको अगर आप ऐड बैक करें तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट में से सैलरी ऑफ सेल्समैन निकालेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आता है। तो प्रॉफिट में ऐड बैक कर दें सैलरी ऑफ सेल्समैन तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो 30 प्लस 90, ये हमारे पास फिगर आ जाएगी 120। जब हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया तो अब हमें ये देखना है कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी होनी चाहिए। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी होनी चाहिए परचेजेस में से? ओपनिंग इन्वेंट्री तो इस क्वेश्चन में होगी नहीं क्योंकि फर्स्ट ईयर है। तो परचेजेस और कॉस्ट में से क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल कर जो भी हमारे पास बचेगा वो बेसिकली कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी। अब हमें ये भी पता है कि सेल्स 720 है, हमें ये भी पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट 120 है। तो सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट का जो डिफरेंस है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स होती है। ज़्यादातर क्वेश्चन में तो ये होता है कि हम सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, लेकिन यहाँ पर हम सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट मालूम है, कॉस्ट ऑफ सेल्स मालूम नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हम मालूम कर लेते हैं कि दैट वुड बी 720 ऑफ सेल्स एंड 120 ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। 600 ये आ गया। अब एज अ बैलेंसिंग फिगर वर्क बैक करके हम ये निकाल सकते हैं कि इन्वेंट्री कितनी होगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रही है 600, परचेजेज आ रही है 700। तो 700 में से कितनी इन्वेंट्री निकालेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स 600 की है, तो 100 की इन्वेंट्री वो हमारे पास कैलकुलेट होगी। तो ये 100 की जो अमाउंट हमें इन्वेंट्री के तौर पर पता चली इसको भी हम अपने करंट एसेट्स में मेंशन कर लेते हैं। अब क्योंकि हम क्वेश्चन का सारा डाटा जो है वो यूज कर चुके हैं तो सिंपली टोटल्स की तरफ चलते हैं। नॉन करंट एसेट्स का टोटल करेंगे 3860, सारे करंट एसेट्स का टोटल कर लेते हैं, दैट वुड बी 3560। टोटल एसेट्स कर लेते हैं तो वो हमारे पास आ रहा है 7420। अब फंड और लाइबिलिटी साइड का टोटल करते हैं, तो फंड्स का अगर हम टोटल करें तो दैट इज 4430। लाइबिलिटीज का टोटल कर लेते हैं, दैट इज 2990। और इस साइड का टोटल भी हमारे पास सेम आ रहा है 7420। तो ये एक क्वेश्चन था जिसमें बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की फिगर्स मिसिंग थी और हमने फाइंड आउट करनी थी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।